मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें यहां बैठी है। हमने अभी समुदाय के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का इस बजट में घोषणा की है। इस गुमंतु समाज के वेलफेयर बोर्ड से समाज में गुमंतु समाज है जिसमें हमारा बंजारा समाज भी है, उनके वेलफेयर के लिए पहली बार देश में अलग बोर्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मुझे कोली समाज के सभी नेता मिले, उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके इस समर्थन के लिए। साथियों, कामगारों की ही तरह देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना तय है। इसके तहत केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा करने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया हर साल। आप कल्पना कर सकते हैं, गांव में जब किसान के हाथ में 75,000 करोड़ रुपया गांव में पहुंचेगा तो गांव की इकोनॉमी कैसी दौड़ने लगेगी। और इसकी पहली किस्त देश के करोड़ों किसानों को ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मिल चुकी है। भाइयों बहनों, ये लाभ कर्नाटक के भी लगभग 71 लाख किसानों को मिलना तय है। लेकिन मैंने पहली किस्त दे दी, देश भर के किसानों को मिल गई, लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति के खेल खेलने हैं, किसानों का भला करने का इरादा नहीं है, ऐसी कुछ सरकारें हैं, इनको लगता है कि अगर उनके राज्य में किसान के खाते में 2000 रुपया पहुंच गया तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएंगे। और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री